इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर बम से उड़ने की ईमेल मिली है। ये ईमेल CISF को भेजा गया है। ईमेल मिलने के बाद CISF और BDS की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बताया जा रहा है कि भोपाल, पटना, जम्मू और जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल कल रविवार को दोपहर करीब 3:30 बजे CISF दफ्तर को एक धमकी भरा ईमेल मिला। फिलहाल ईमेल से मिली धमकी के बाद लखनऊ समेत सभी एयरपोर्ट पर चेकिंग की गई। CCSI हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विस्फोटक उपकरणों के बारे में दोपहर 3:50 पर एक धमकी भरा ईमेल मिला। CCSI हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम ने पूरे एयरपोर्ट पर गहन जांच की, लेकिन बम रोधी दस्ते को कुछ नहीं मिला। इसके बाद शाम करीब 6:20 पर एक फोन कॉल मिलने के बाद हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया। अधिकारियों ने कहा कि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बुराड़ी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल सहित शहर के अस्पतालों में भी टीमों को तैनात किया गया था, जिन्हें रविवार दोपहर ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली थी। बुराड़ी अस्पताल के MD डॉक्टर आशीष गोयल को दोपहर करीब 3:00 धमकी मिली। डॉक्टर आशीष ने बताया कि ईमेल में कहा गया है कि अस्पताल में बम रखा गया है, मैंने इसे देखते ही पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं DCP मनोज मीना ने बताया कि उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में एक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला है, लेकिन बम निरोधक दल मौके पर मौजूद है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस धमकी को लेकर एक बयान जारी कर इसे फर्जी बताया है। मंत्रालय ने बयान में कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, धमकी वाला ईमेल फर्जी है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जरूरी कदम उठा रही है। बता दें, इस महीने की शुरुआत में 150 से अधिक स्कूलों को ऐसे ही ईमेल मिले थे, जिनमें संस्थानों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस घटना से स्कूलों को खाली कराया गया और अभिभावकों में दहशत फैल गई। यहां तक कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी और बम निरोधक दस्ते की टीमें घटना स्थल पर पहुंच गई। काफी जांच के बाद पता चला कि एक फर्जी धमकी थी। वैसे हम आपको विस्तार में बताते हैं कि इस ईमेल में लिखा क्या हुआ था। जो अस्पताल को ईमेल भेजी गई, इसमें लिखा है, मैंने तुम्हारी इमारत में बम रखा है, एक धमकी नहीं है। तुम्हारे पास बम को डिफ्यूज करने के लिए कुछ घंटों का समय है, वरना इमारत के अंदर बम फटने से जिन लोगों की जाने जाएंगी, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस नरसंहार के पीछे कोट नाम का एक ग्रुप है। दिल्ली के गैंग स्कूलों में भी ऐसी ही तरह के ईमेल भेजे गए थे, लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो मौके से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। अंदेशा है कि ऐसा सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए और लोगों में अशांति और डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इस पर कहा है कि लोगों को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, ऐसी धमकियों से और ईमेल से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है।